हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुषी एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम अ नॉनवेज रेसिपी, जो कि है चिकन मसाला। और ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है और उनकी गाइडेंस में मैंने बनाई थी। बहुत बहुत ज़्यादा यमी बना था, आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको भी ज़रूर ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिखा दूँ आपको इसके इन्ग्रीडियंट्स। यहाँ पर हमने लिया है चिकन, ड्रम स्टिक्स हैं सारे लेग पीसेज हैं, और ऑनियन ली है जिसको हमने मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। 4 से 5 आप ऑनियन ले लीजिए, अच्छे खासे अमाउंट में ही लगते हैं इसमें ऑनियन एंड टमाटर। 4 टमाटर लिए हैं, जिंजर और गार्लिक लिया है, गार्लिक काफ़ी सारा लिया है हमने, और अदरक के कुछ टुकड़े। मसाले में हमने लिया है रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। आप चाहें तो इसमें किचन किंग मसाले के साथ साथ आप इसमें चिकन मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अब सबसे पहले कढ़ाई को लीजिए एक और उसे आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इसमें लेंगे हम ऑयल, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है रिफाइंड ऑयल, और इसको भी अच्छे खासे अमाउंट पे डालना है, करीब मीडियम साइज़ की एक कटोरी भर के उसके आसपास इसमें मैंने लिया था ये ऑयल। आप देख ही सकते हैं कितना है, और मैं कम डाल रही थी बट मेरी सासू माँ पीछे से बोल रही थी नहीं इसमें और लगेगा। और तेल को अच्छे से आप गरम कर लीजिए, और जब ये गरम हो जाए, गुनगुना हो जाए, उसके बाद मीडियम गैस करके स्लो करके थोड़ा सा आप सबसे पहले इसमें डालिए ये जिंजर और गार्लिक, और नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे अपने ये ऑनियंस, और सबको हमने सारी चीज़ों को मिक्स करके फ्राई कर लेना है अच्छे से। और फ्राई में हमें इस पे तेज़ गैस ही रखनी है, और फुल गैस पे हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे चलाते हुए। इसे हमें जलने नहीं देना है, बट हमें इसे अच्छे खासे अमाउंट में फ्राई करना है, मींस कि ये दिखने में एकदम रेड हो जाए, ब्लैक ना हो, जले ना, बट अच्छे खासा ये फ्राई हो जाए। ऑनियन फ्राई हो रहे हैं तब तक मैंने निकाल लिया है टमाटो का पल्प, जिसके लिए मैंने टमाटोज के जो छिलके थे उसको उतार के अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको कद्दूकस कर लिया। आप चाहें तो ये प्रोसीजर इनको उबाल लीजिए हल्का सा, और छिलके आराम से उतर जाएंगे, और देन अंदर वाले पल्प को आप मैश कर सकते हैं। वैसे भी आप ये टमाटो का पल्प निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ऑनियन हमारी फ्राई होके तैयार हो चुकी है, गैस को मैंने बंद कर दिया है, और ये मैं निकाल लूँगी एक सेपरेट प्लेट में। और जो बचा हुआ ये ऑयल है इसे हम रीयूज़ कर सकते हैं आगे चिकन बनाने में, या फिर और भी अपनी कुकिंग में। और सारे ऑनियंस को मैं बाहर निकाल लूँगी, और कुछ इस तरह से आपको इन्हें फ्राई करना है, बिल्कुल रेड हो जाएंगे। और इसके बाद जो टमाटो का पल्प मैंने आपको दिखाया था वो, और ये ऑनियन, जिंजर, गार्लिक सब जो मिक्स ये अब तैयार हो चुका है फ्राई करके, सबको हम मिक्सर में पीस के इसका एक पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा। और ये पेस्ट जो जिस तरह की ग्रेवी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसमें ये ग्रेवी आप पनीर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है वो भी। और ये देखिए मैं इसका पेस्ट बनाने जा रही हूँ। मीन द वाइल जब तक हम ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं, हमारे जो चिकन ड्रमस्टिक हैं वो अच्छे से पानी में मैंने भिगो के रखे हुए हैं, और उनको हम फिर वॉश कर लेंगे कुकिंग करने से पहले। 2-3 बार आप पानी में उन्हें वॉश कर लीजिए, और तब आप उन्हें कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पेस्ट जो है बनके तैयार हो चुका है, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे मिली है। हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला था, करीब 1-2 चम्मच बस, उससे ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि टमाटर के जो पल्प था उसमें भी ऑलरेडी पानी था, तो इसलिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट ही बनाना होता है। यहाँ पे मैंने डाला है दोबारा से कढ़ाई में तेल, और ये मैंने सबसे पहले मसाले इसमें डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। और मसाले जो हैं वो आपको छोड़ने नहीं है, कंटिन्यूसली चलाते रहना है, अदरवाइज ये जल जाएंगे। गैस को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप मत करिए, स्लो ही रखिए। और ये यहाँ पे मुझे ऑयल की थोड़ी और रिक्वायरमेंट लग रही थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया है, और इसी तरह से चलाते हुए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वही सेम ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो हमने पहले ऑनियन को फ्राई करने में यूज़ किया था। और जब ये मसाले पक जाएं, इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगेगा, आपको देखने लगेगा, और खुशबू भी आने लगेगी मसाले की अच्छी सी भुनने की। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है जिंजर, गार्लिक और ऑनियन और टमाटो का, उस पेस्ट को आप इसमें डाल दीजिए। काफ़ी गाढ़ा पेस्ट था, ये खुद से नहीं निकल रहा था, तो स्पून की हेल्प से मैं इसे निकाल रही हूँ।
और ये सारा मसाला इसमें ट्रांसफ़र हम कर देंगे और फिर इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। मसाले की जो भुनने की पहचान है वो यही है कि एक तो अच्छी सी खुशबू आने लगती है भुनने की, और कंसिस्टेंसी से भी आपको पता चल जाएगा, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है। उसके साथ साथ जो ऑयल है वो ग्रेवी के ऊपर तैरने लग जाता है, इसकी पहचान है कि जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा एक कलर आया है इसमें। और कुछ देर तक इसमें चलाने के बाद नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चिकन ड्रमस्टिक, और पानी से मैंने इन्हें निकाल लिया है, वॉश कर लिया है अच्छे से। और ये ग्रेवी ये देखिए पकने लगी है अब धीरे धीरे, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन ड्रमस्टिक। और ये सारे इसमें ऐड करने के बाद हम इसमें नेक्स्ट इन चिकन ड्रमस्टिक्स को पकाएंगे इस ग्रेवी में, और बस फिर कुछ ही मिनट में तैयार हो जाएगा हमारा चिकन मसाला रेसिपी। तो अब हम इसे ढक के पकाएंगे कुछ देर के लिए। आई थिंक इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगते हैं 25 से 30 मिनट पकने में, और बीच बीच में आप इसे चला चला के चेक कर सकते हैं। और इसको चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि आप इसे अपने लैडल में लीजिए और हैंड से आप पुश करके देख लीजिए, टेस्ट करके देख लीजिए पकी या नहीं, या फिर आप चम्मच या फोक की हेल्प से इसे दबा के देख सकते हैं। और अगर आपका जो चिकन है वो इस तरह से कटने लगे और ये देखिए बोन से अलग होने लगे, इसका मतलब ये है कि पक के तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है आपको कि ये चिकन अलग हो जाए और बोन्स अलग हो जाए, आपको इसको इसी तरह से पकाना है कि ये बस गल जाए और खाने में आए प्रॉपरली। और हमने यूज़ किया इसमें ढेर सारा बटर इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा रिच बनाने के लिए। और इसी तरह से इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि बटर इसमें सेट हो जाए, ग्रेवी थोड़ी सी सेट हो जाए, 5 से 10 मिनट, और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, ट्राई ज़रूर करना। पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।